जगदलपुर में 8 मई को शुरू हुई इंद्रावती बचाओ जन जागरण पद यात्रा में जनसैलाब उमड़ ही रहा है, जो और सड़कों यात्री और सैकड़ों यात्री यात्रा में शामिल होते जा रहे हैं। वहीं जल बचाओ को लेकर यात्रियों ने जल सत्याग्रह किया है। इस दौरान लोगों ने ये भी संकल्प लिया है कि अब प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाएगा। फिलहाल 5वें दिन यात्रा का समापन कर दिया गया है, तो वहीं सोमवार से यात्रा चित्रकूट के लिए निकलेगी। 8 मई 2019 से गांव ग्राम भेजापटन से ये पदयात्रा निकाली गई है। हम देख रहे हैं कि इस पदयात्रा में स्कूली बच्चे, चाहे पढ़ने वाले छात्र हों या संगठन के लोग हों, समाज के लोग हों, सभी योगदान दे आ रहे हैं। महिलाएं तो बहुत जागरूक हैं, आप देख रहे हैं, इनकी संख्या देख लो, इनका उत्साह देख लो। एक महिला भी इंजरी हो गई, वो भी दौड़ के आ रही है। मैंने महिलाओं में तो अपार जोश है। मैं इंद्रावती का संबंध जितना महिला शक्ति के साथ है, मैं नहीं सोचती कि और किसी के साथ है। और अंतिम चरण हम लोगों ने चित्रकूट तक तय किया है इंद्रावती को लेकर। आज ये 5वां चरण आज हम लोगों का सम्पन्न हो रहा है महादेव अपना पुराना पुलिया में। कल फिर यहीं से प्रातः 6 बजे से फिर हमारी यात्रा अगले पड़ाव के लिए चलेगी। खबर कांकेर से है।